अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। अरे पंडित जी, आप क्या नाटक करने वाले, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका दिल उस लड़की पे आ गया, अब इसकी जिंदगी का सवाल है, बताइए करना क्या है। क्षमा उसको मिलेगी जो परवाना होगा, क्षमा उसको मिलेगी जो परवाना होगा। दोस्तों, आम तौर पे देखा गया है कि फिल्म इंडस्ट्री में चाइल्ड आर्टिस्ट बचपन में तो बहुत फेमस हो जाते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद उन्हें वो शोहरत नहीं मिलती। लेकिन आज जिस एक्टर की बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था बॉलीवुड में और साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में एस चाइल्ड आर्टिस्ट, और बड़े होने के बाद भी शोहरत ने उनका दामन नहीं छोड़ा। लेकिन उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से उन्हें फिल्म लाइन अचानक छोड़नी पड़ी। क्या था वो इंसिडेंट, मैं आपको बताऊंगा आज के इस एपिसोड में। और वो एक्टर हैं वेरी क्यूट, स्वीट एंड वर्सटाइल, हरीश। कितना बड़ा घर है, यहाँ मुझे गरम गरम आलू के पराठे मिलेंगे। जिनकी जिंदगी चोर उचक्कों को देखते देखते गुजरी हो, वो मेरे जैसे शरीफ आदमी को क्या पहचानेंगे। आप कितने शरीफ हैं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्यों, मैंने क्या किया? मेरी सही सोने के सब लोग कैंटीन में क्या कर रहे थे? हाँ, थोड़ा सा रोमांस। जान से बढ़कर जन्म तुझे को प्यार करते हैं। 1 अगस्त 1975 में पैदा हुए थे हरीश हैदराबाद में, और हैदराबाद से ही उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। दोस्तों, हुआ यूं कि 1979 में साउथ के मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वी बी राजेंद्र प्रसाद एक तेलुगु फिल्म प्लान कर रहे थे, और उस फिल्म के हीरो थे ANR और हीरोइन थी श्रीदेवी, और उस फिल्म में श्रीदेवी के बेटे के रोल के लिए एक छोटे से प्यार से बच्चे की तलाश हो रही थी। डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हरीश की एक स्कूल फंक्शन में हरीश को परफॉर्म करते हुए देखा, वो बहुत इंप्रेस हो गए और फौरन साइन कर लिया हरीश को अपनी फिल्म के लिए। फिल्म का नाम था मुदला कुड़ुकू, जो आई थी 1979 में, और दोस्तों हम आपको बता दें उस वक्त हरीश की उम्र सिर्फ 4 साल थी। ये फिल्म सुपरहिट हो गई और हरीश ने ना सिर्फ तेलुगु बल्कि साउथ की हर एक भाषाओं की फिल्मों में काम किया बहसियत चाइल्ड आर्टिस्ट, और कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया जैसे एक ही भूल और संसार। दीदी दीदी, मेरी एसी की लॉबी। दीदी, मेरे लिए किस बैग? अच्छा बाबा, सब ला दूंगी, तुम लोग अंदर जाओ ना। यही तंग कर रहे हो बेचारी को, पहले तनख्वाह मिलते ही ला देगी। हाँ। चलो अंदर चलो। हरीश साउथ की फिल्मों के मशहूर चाइल्ड स्टार बन गए, और 1983 में उनकी एक मशहूर फिल्म आई थी आंध्रा केसरी, जो तेलुगु में थी, और इस फिल्म के लिए उन्हें प्रेस्टीजियस नंदी अवार्ड भी मिला था। राजमहेंद्र वर्मा కళలకు కవులకు కట్టడాలకు పుట్టినిల్లని కథలు కథలుగా విన్నాను. నాకు చూడాలని మాస్టరు, నేను మీకు వస్తాను మాస్టరు. హరీష్ సౌత్ కి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ పే ఛా గయ్ ఔర్ కై బడీ బడీ ఫిల్మో మే బెహతరీన్ కామ్ కియా. హరీష్ కి కిస్మత్ కా సితారా చమక్ రహా థా ఔర్ సిర్ఫ్ 15 సాల్ కి ఉమర్ మే ఉన్హే ఏక్ మెయిన్ లీడ్ కా ఆఫర్ ఆయా. వో ఏక్ మలయాళం ఫిల్మ్ థీ ఔర్ ఉస్ ఫిల్మ్ మే ఉన్కే సాథ్ థే కమల్ హసన్ और लक्ष्मी जी। फिल्म का नाम था डेजी, जो आई थी 1988 में। डेजी भी सुपरहिट हो गई और हरीश के सामने फिल्मों की लाइन लग गई। 1990 में मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर डी रामानायडू एक
तेलुगु फिल्म बना रहे थे। वो एक लव स्टोरी थी और वो हरीश का काम पहले देख चुके थे और हरीश से बहुत इंप्रेस थे। उन्होंने हरीश को साइन कर लिया। फिल्म का नाम था प्रेम कैदी, जो आई थी 1990 में, और हरीश की ऑपोजिट थी उसमें हीरोइन माला श्री। हेलो जी जी, ये उड़ाई अंत चंडला में होगा ना? आरी का दंडी मैं उल्टी बिदा स्विमिंग सूट उन्हें कर दया आइना स्विमिंग उच्चा वालों पार्टी चले गट को नस्तरा नोकर पार्टी को अम्मू ये दुको। ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो गई और प्रोड्यूसर डी रामा नायडू इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाना चाह रहे थे। हीरो तो ऑफ कोर्स थे हरीश, लेकिन उनके ऑपोजिट एक नई हीरोइन की तलाश चल रही थी। उन्हीं दिनों बबीता और रणधीर कपूर की बड़ी बेटी यानी करिश्मा कपूर को लॉन्च करने की तैयारियां चल रही थी, और जब बबीता को पता चला कि डी रामा नायडू एक हिंदी फिल्म प्लान कर रहे हैं, तो उन्होंने करिश्मा कपूर की फोटोग्राफ्स डी रामा नायडू को भिजवा दी। डी रामा नायडू बहुत इंप्रेस हुए करिश्मा की फोटोग्राफ्स देख के। ऑडिशन हुआ, करिश्मा कपूर सेलेक्ट हो गई। फिल्म का नाम था प्रेम कैदी, जो आई थी 1991 में। और दोस्तों, ये फिल्म हरीश और करिश्मा कपूर की पहली हिंदी डेब्यू फिल्म थी। जो लड़कियाँ स्विमिंग करने आएंगी वो साड़ी पहन के आएंगी क्या? चलो तुम भी उतारो कपड़े। प्रेम कैदी सुपर हिट हो गई और इस फिल्म से करिश्मा कपूर ओवरनाइट स्टार बन गई और कई फिल्में साइन कर ली। लेकिन इस फिल्म से हरीश को कुछ ज्यादा कामयाबी नहीं मिली और हरीश ने कुछ और हिंदी फिल्में साइन कर ली, जैसे आदमी, आशिक मस्ताने और तिरंगा। मेरी माँ पर भी क्या बीत रही होगी, वो तो रो रो कर पागल हो गई होगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका भरोसा भगवान पर से भी उठ जाएगा। दोस्तों, हरीश को वो कामयाबी बॉलीवुड में नहीं मिल रही थी जो उन्हें साउथ की फिल्मों में मिली थी, इसलिए बॉलीवुड में टिके रहने के लिए और सरवाइव करने के लिए उन्होंने हर किस्म के रोल किए, जैसे साइड हीरो या हीरो का दोस्त। बार बार मैं उठ रहा था, बार बार मुझे उस लड़की के पास बिठा रहे थे, मेरा तो दिमाग एकदम सड़ गया, मैं तो जाई बना रही। ए, जाकर ना, आगे बोलना, आगे बोल। पता है क्या हुआ? क्या हुआ? उस लड़की ने अपनी हवेली में अपने डैडी के आंखों के सामने प्यार की निशानी के तौर पर मुझे अपनी चोटी निकाल कर दे दी। हरीश ने अपने पूरे करियर में लगभग 300 फिल्मों में काम किया, लेकिन वो अपने बॉलीवुड के करियर से सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर भी वो फिल्में करते रहे मजबूरी में। एक दिन अचानक उनकी बैक में यानी कमर में दर्द होने लगा और दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, यहाँ तक कि उन्हें चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत तकलीफ होने लगी। और जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपको एक मेजर स्लिप डिस्क हो गया है और आपको तकरीबन 2-2.5 साल तक बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में बदलने लगे, हफ्ते महीनों में बदलने लगे और महीने सालों में बदलने लगे, और 2.5 साल के बेड रेस्ट की वजह से हरीश का वजन बढ़ गया। और जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने दोबारा स्ट्रगलिंग की बॉलीवुड में भी और साउथ की फिल्मों में भी, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला क्योंकि उनका वजन बहुत बढ़ गया था और वो बेडौले हो गए थे। एक वक्त जो सितारे की तरह चमक रहा था, आज वो गुमनामी के अंधेरे में खो गया। आज हरीश चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई के बीच सफल करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हरीश ने शादी की थी 1995 में। उनकी बीवी का नाम है संगीता और उनका एक प्यारा सा छोटा बेटा भी है। हरीश को आज भी ये उम्मीद है कि उन्हें एक ना एक दिन एक अच्छा रोल मिलेगा और वो दुनिया वालों को प्रूव कर देंगे के वक्त ने उनके शरीर पर असर किया है लेकिन उनके टैलेंट पे नहीं। आज भी हरीश एक बेहतरीन एक्टर हैं। हरीश, ऑल द बेस्ट टू यू। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।